यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी निफ्टी बैंक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से हमारे लिए देखेंगे, अगर इस तरीके से आप चार्ट देखते हो निफ्टी बैंक का, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है या तो फिर मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे ना दो सिनारियो आते हैं आपके लिए, कौन से दो सिनारियो, यानी कि टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन यहाँ पे आते हैं। सिचुएशन नंबर वन क्या होने वाली है एंड सिचुएशन नंबर टू क्या होने वाली है, चलिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर इसे अभी ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट करना है, तो हमारा जो बैंक निफ्टी है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा ये 44,423। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से वो ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो अगला टारगेट ये रहेगा 44,483 का, ठीक है। तो ये टारगेट अपना ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट यहाँ पे करने की कोशिश करता है। तो अब उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, उसके साथ साथ ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा कि दो सिचुएशन निकल के आने वाली है। तो पहला सिचुएशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सिचुएशन है वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। तो जो सेकंड सिचुएशन रहेगा हमारे पास वो यहाँ पे रहेगा। अब सेकंड सिचुएशन में क्या है वो देखो, यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है ना वो 44,123 का लेवल से, अगर इसके यहाँ पे अगर आए ना तो ये अपने को टारगेट मिलेगा, लेकिन ये टारगेट्स मिलने के लिए उसे 44,183 वाली लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो डाउनफॉल में आता है कंटिन्यूएशन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये लेवल्स को ब्रेक करता है, तो डाउनफॉल के टारगेट मिलेंगे। ऊपर के डायरेक्शन के टारगेट्स आपको तभी मिलेंगे जब मार्केट यहाँ पे ये 44,423 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तब, ठीक है। अब आते हैं अगले मोड पे, अगर ये टारगेट ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो किस हिसाब से आप यहाँ पे क्विक एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप्स की एंट्री होती है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्विक एंट्री की। तो क्विक एंट्री आप कैसे कर सकते हो, क्विक एंट्री का लॉजिक कैसे होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो आप भी इसमें आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो जो क्विक एंट्री होती है वो कैसे होगी वो देखिए। तो जो क्विक एंट्री होगी आपको बैंक निफ्टी में जो मिलने वाली है वो लगभग इस तरीके से होगी। उसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉसेस रहेगा वो लगभग 44,367 का स्टॉप लॉसेस रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रहेगा। एंट्री आपकी क्विक एंट्री बन सकती है 44,417 के आसपास। आपके जो पहला टारगेट रहेगा 44,483 का, ठीक है, बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगला टारगेट 44,538 का, अगर 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 ये ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो। एंड ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है ना, वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ऊपर के डायरेक्शन का तो हमें पता चल चुका है, डाउनफॉल के डायरेक्शन का मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता करके रखे हुए हैं कि किस तरीके से डाउनफॉल का टारगेट्स हम यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे नहीं होता, मान लेते हैं कि वो ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं करता मार्केट्स, तो डाउनफॉल करेगा। अगर वो डाउनफॉल करने वाला है, ओके, तो डाउनफॉल में उसके लिए इंपॉर्टेंट टारगेट्स क्या रहेंगे वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बता दिया। अभी डाउनफॉल का भी ना लेवल अपडेट होता है, तो ये जो लेवल अपडेट होता है वो कौन सी डायरेक्शन में आपको देखने मिलेगा वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो डाउनफॉल का जो लेवल्स रहेगा ना वो किस तरीके से काम करेगा ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे भी एक चार्ट बना करके रखा हुआ है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम कभी एक चीज़ पे यहाँ पे ये नहीं करते, मतलब अगर हमें चाहिए कि हम सी में जाए तो यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं होता कि हमें सी का अपडेट मिलेगा ही ना या नहीं मिलेगा। देखो, हमारे पास सी ई का अपडेट है, हमारे पास पी ई का अपडेट है। अभी मार्केट अगर सी में जाता है तो हम क्या करेंगे, जो हमने लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, जो हमने पी साइड के लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट्स को आने देंगे। एंड उसके बाद में हम सी साइड का एंट्री एंड पी साइड का एंट्री लेंगे। तो सी का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं पी में। अब पी में अगर आप देखोगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस जोन है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ओके, एंड मार्केट उसी के आसपास यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब अगर मार्केट्स के अंदर ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है आप सभी को। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है एक बार, अगर यहाँ पे वो नीचे आता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से इनिशियल टारगेट्स 44,318 के इसे अचीव कर सकता है। उसके बाद अगला टारगेट उसके लिए क्या होने वाला है, जैसे वो यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर देता है, अगला टारगेट 44,164 का रहने वाला है बैंक निफ्टी में। तो अभी बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, मतलब अगर सीई में जाना है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, पीई में जाना है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैंने आपको दोनों बता दिया है। आपने अगर अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसमें डेफिनेटली आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फ्री है। एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस तरीके से लाइव मार्केट के अपडेट्स दिया जाता है, हर एक चीज़ कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, हर एक चीज़ का अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
एंड मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में।